लिटरेसी इंडिया 3 E's के ऑब्जेक्टिव पे काम करती है, एजुकेशन, एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी। आज से 3 साल पहले हम लोगों ने लिटरेसी इंडिया में बच्चों के लिए क्लास 5th ऑनवर्ड्स प्री वोकेशनल ट्रेनिंग की शुरुआत की। ये शुरुआत इसलिए की गई ताकि जो बच्चा क्लास 10th पास करे तो उसके पास अपना एक स्किल हो और वो स्किल उसके पूरे करियर पाथ के को डिफाइन कर पाए, और उस स्किल को यूज़ करके एक बच्चा जो पास आउट हो रहा है क्लास 10th, उससे वो अपने फैमिली के लिए और अपने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए वो उस स्किल का इस्तेमाल करे। इस स्कूल से वोकेशनल की ट्रेनिंग दी जाती है। वोकेशनल में हार्डवेयर, मोबाइल रिपेयरिंग, स्टिचिंग, ब्यूटिशियन सब दिए जाते हैं। तो मैंने हार्डवेयर लिया है, मेरे को हार्डवेयर में 2 साल होने वाले हैं इस बार। तो मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी है, जैसे कि CPU है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उन सब के बारे में सीखा है, उनमें क्या क्या वायर्स होती है और वो कैसे रिपेयर हो सकती है। इस प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने अंडर प्री वोकेशनल ट्रेनिंग मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, देन स्टिचिंग है, ब्यूटिशियन ट्रेनिंग है, और एक स्किल जो कुकिंग की स्किल है वो हमने शुरुआत की। इस स्किल की शुरुआत करने से हमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, और वो समय था जब हमारे स्कूल के जो पास आउट्स थे, जो यूथ की एक स्टेज पे आ चुके थे, उन्होंने अपने लिए छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरशिप के तहत हमारी सपोर्ट से अपने लिए एक कम्युनिटी में छोटी सी शॉप शुरू की। मोबाइल में पहले से ज़्यादा दिलचस्पी थी तो वो सीखा मैंने, तो मैं 10वीं करके पास आउट हुआ। तो लिटरेसी इंडिया स्कूल के लिए बहुत सपोर्ट किया मुझे। सोनू सर बोले थे दुकान खोल लेने के लिए, सर ने बोला दुकान खोल लो थोड़ा और अच्छी रहेगा। फिर मैंने दुकान नहीं खोला, उसके बाद 2-3 महीने मैंने दुकान पे काम किया, भैया की दुकान पे। फिर वहाँ हाथ साफ हो गया थोड़ा, तो उसके बाद लगा थोड़ा और बेहतर, मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैंने अपनी दुकान खोल लिया। आज के दिन में इसकी सक्सेस इतनी अच्छी है कि हमारे इस जो पास आउट्स हैं, उन्होंने पिछले 2 सालों में अपनी सक्सेसफुली दुकानें शुरू की हैं। आज हमारे पास आउट बच्चे जो है सैमसंग केयर जैसे सेंटर्स में काम करते हैं, और हमारे ही बच्चे आज हमारे पास वापस आते हैं जो हमारे लिए एक रिसोर्स का काम करते हैं। आज के दिन में कंप्यूटर हार्डवेयर का पास आउट हमारे लिए काम कर रहा है प्रदीप। पहले मैं बेयर हाउस में काम करता था, वहाँ पे अनस्किल्ड काम था। फिर मैंने लिटरेसी इंडिया से हमें आके कंप्यूटर हार्डवेयर का काम सीखा, सॉफ्टवेयर का काम सीखा, इंस्टॉलेशन का। फिर मेरी जॉब ये हमारे SBI कार्ड में लग गई, वहाँ पे प्रोजेक्ट का बेस का 3 मंथ का काम था। प्रोजेक्ट करता होने के बाद फिर से मैंने लिटरेसी इंडिया को कंप्यूटर हार्डवेयर में ज्वाइन किया। अभी मैं एक सरकारी स्कूल में एक कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग का काम करता हूँ। स्टिचिंग में तो काफ़ी सक्सेस है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन बच्चों को बहुत से रोल मॉडल इंधा के तौर पे है, जहां बच्चे आकर देखते हैं कि एक प्रोडक्ट की जर्नी क्या होती है। सो जो वो सीख रहे हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, उनको बहुत कुछ देखने को मिलता है, और उससे उनको अपने करियर को डिफाइन करने में, करियर को चूज़ करने में काफ़ी मदद मिलती है। सबसे पहले हाथ के एम्ब्रॉयडरी सीखा, फिर धीरे धीरे मशीन चलाना सीखा। अब मैं इतना सीख गई हूँ कि मैं अपने कपड़े या अपने परिवार के कपड़े खुद ही सिल लेती हूँ और अपने पैसे खुद कर लेती हूँ, दूसरों पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। सो इस तरीके से हमारी जो ये प्री वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, फ्यूचरिस्टिक है, और आने वाले समय के लिए बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल। मेरे को बड़े होके मेहंदी डिज़ाइनर बनना है और हेयर स्टाइलर भी बनना है, और मैं नेवी ऑफिसर भी बनना चाहती हूँ। और जैसे मेरे को फ्री टाइम मिलेगा तो मैं सबके हेयर स्टाइल्स और मेहंदी डिज़ाइंस की शॉप खोलूँगी, तो उससे मेरी मतलब क्या है कि इनकम आ सकती है अच्छी, और मेरे को ये सब करने से अच्छा भी लगता है। और मेरे पेरेंट्स भी मेरे से बहुत अच्छे खुश होते हैं, बोलते हैं कि मतलब खुद अपने पैरों पर खड़े हो गए हो। वीडियो कम्स टू यू फॉर थैंकिंग यू फॉर द प्री वोकेशनल क्लासेस ऑफ आवर स्टूडेंट्स। Wonderful things have happened and huge impact to our children,
The hardware program was a major hit, wherein many of the students have started their own businesses, their own enterprise. And one of them I just recently got to know, they interned in your company, and from there he moved on in his life, specifically in hardware area. Mobile repair had been a major hit amongst the students. There was hell of a lot of excitement in learning the program. All the pre-vocational trainings are very, very impactful. 200 girls who have been sponsored by SBI card, they have actually moved on in their life fantastically. One of the girls, in fact, has recently joined Airtel. She is interning right now, and we are hoping that she will get a job afterwards. Thank you very much. Keep contributing and keep engaging with us. Thank you.